की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। 86 पारा शिक्षकों ने दाखिल की जमानत याचिका, 1 दिसंबर को सुनवाई। जबरन अनशन से उठाए गए आत्मबोधानंद। बुजुर्ग किसानों को पेंशन और बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपए भत्ता। रेस्टोरेंट में हुआ झगड़ा, युवक के सीने में घोंप दिया चाकू। पति को हुआ बाहर वाली से इश्क, प्रेमिका के साथ मिलकर अपने ही बेटे का कराया अपहरण। अब खबरें विस्तार से। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के आरोप में जेल में बंद 86 पारा शिक्षकों ने जमानत याचिका दाखिल की है। सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में जमानत पर 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। हरिद्वार, गंगा की निर्मलता के लिए 38 दिनों से अनशन पर बैठे मातृ सदन के ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद को जिला प्रशासन की टीम ने अनशन से उठाकर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया। SDM मनीष कुमार ने आत्मबोधानंद को उनके लगातार गिरते स्वास्थ्य को लेकर अनशन समाप्त करने को कहा था, जिसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया। जयपुर, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जन घोषणा पत्र नाम दिया। प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी ने घोषणा पत्र जारी किया। नई दिल्ली, साउथ दिल्ली के साकेत PVR सिनेमा के सामने स्थित एक रेस्टोरेंट में झगड़े के दौरान हेमंत नाम के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हेमंत को मदन मोहन मालवीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। NCR स्थित गाजियाबाद से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपने बेटे का अपहरण करवाया। पति की प्रेमिका तो गिरफ्तार हो गई, लेकिन पति और बेटा अभी तक नहीं मिल पाए। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।